हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बोट एयरडॉप्स 131 का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। ये मुझे अच्छा लगा है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और जो चीज़ मुझे पसंद आती है इसलिए तभी मैं शेयर करती हूँ, नहीं तो मैं शेयर करती ही नहीं। सो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं अनबॉक्सिंग की। अनबॉक्सिंग की मैं बात क्या करूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और जब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आप लोगों के साथ रिव्यू तो शेयर कर नहीं सकते। तो अनबॉक्सिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी, बट आपको अभी भी दिखा देते हैं ओपन करके। बहुत ही अच्छा है, कमाल का है सच में। यदि आप लोग ईयरडॉप्स कुछ लेना चाहते हैं तो ये लीजिए ये, क्योंकि इससे सस्ता कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सस्ते के साथ साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि पैसों पे मत जाइए। कभी कभी क्या होता है ना, कोई चीज़ इतनी महंगी होती है बट वो चीज़ अच्छी नहीं होती है, कभी कभी कोई चीज़ इतनी सस्ती होती है बट बहुत कमाल की होती है। तो ये मैंने बहुत सारे ब्लूटूथ ईयरडॉप्स बहुत सारे यूज़ किए हैं, मेरे पास बहुत सारे हैं भी। कभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, कंपेयर करके दिखाएंगे आप लोगों को। बट अभी फ़िलहाल ये मैं यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद आया, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दे। यदि आप लोग खरीदना चाहते हैं ना तो ये खरीदिए, क्योंकि ये बहुत सस्ता है। इससे सस्ता कुछ मिलने से रहा नहीं, और सस्ते के साथ साथ अच्छा तो है ही। और ये सबसे अच्छी बात है, ये पिंक कलर का मैंने लिया है। इसमें बहुत सारे कलर हैं और मुझे पिंक कलर अच्छा लगता है इन सब चीज़ों में, तो ये मैंने पिंक कलर का लिया है। मैंने क्या लिया है, मेरे हस्बैंड ने दिया है, मुझे पता भी नहीं था कि ये वो उन्होंने मंगाया है। और मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं ना, जब भी फ़ोन पे बात करते हैं किसी से भी, तो कान में लगा लगा के बात करते हैं और बात बहुत लंबी हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है ना, फ़ोन गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप बात करते हैं तो इस टाइप के ईयरडॉप्स ज़रूर लें, कोई भी लें, ज़रूरी नहीं है यही लें, कोई भी आप लें, बट यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि फ़ोन कान में लगा के बात करने से दिक्कत हो जाएगी। और ये बहुत सस्ता है, महंगा तो है नहीं, कि इतना महंगा क्यों लें। तो अनबॉक्सिंग की बात करें तो ये बहुत छोटू सा बॉक्स है, बहुत ही अच्छा सा। इसमें कुछ ऐसा खास आया नहीं था, बस ये इसके साथ ये कुछ ऐसा आएगा, और इसके साथ ये है, मैं आपको दिखाऊँ। इसके साथ बहुत सारे वारंटी कार्ड भी थे, वो कोई पढ़ा ही नहीं हमने क्या किया उसका, पता नहीं कहाँ गया वो। इसके साथ एक केबल भी आई है जो हमने यूज़ नहीं की है, क्योंकि पहले चार्जर जो है उससे ही हम इसको चार्ज कर लेते हैं। वैसे तो अभी तक चार्ज करने की हमें इसको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये टाइप सी चार्जर आया है नॉर्मल सा, अगर आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें अभी तक इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, तो मैंने इसको ऐसे ही कैसे छोड़ दिया है। ये है मेन पार्ट, ये बहुत ही अच्छा है सच में, आप देख सकते हैं। ये मुझे देखने ही में बहुत अच्छा लग रहा था, एक तो पिंक कलर का था, मुझे वाइट ब्लैक ये सब अच्छे नहीं लगते, पिंक कलर मुझे इतना अच्छा लगता है ना कान में लगाने में, बहुत अच्छा लगता है। सो ये ऐसे ओपन होगा, उसके बाद आप लोग सबको पता ही होगा ये ये नॉर्मल सा ऐसा है, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटू सा है। और इसको कहीं भी, जैसे हमारे पास क्लच व्लच छोटे स्लिंग बैग जो लिए रहते हैं उनमें कोई भी चीज़ नहीं आती, बस मोबाइल ही आता है, तो ये आराम से उसमें भी आ सकता है, हमारा छोटू सा है। और सबसे अच्छी चीज़ हमें इसमें ये लगी है, मैं आपको बताऊँ तो, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो जो लास्ट, जैसे मैंने कनेक्ट किया है, मेरे मोबाइल से ही कनेक्ट होता है, तो ये जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे वैसे ही मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, मुझे कोई ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करना पड़ता है। अगर मैं अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन किया और बस इसको ओपन करोगे, अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे अच्छी चीज़ तो यही लगी। इसके बाद दूसरी चीज़ मुझे जो पसंद आई है, मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे ईयरडॉप्स हैं मेरे पास, 3-4 तो है ही कम से कम। उनमें क्या होता है ना, यहाँ पर ना एक बहुत गोल सा टाइप का बना होता है जो कान में फिक्स हो जाता है। वो अच्छे होते हैं अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, शायद वो इसलिए हैं कि कहीं गिरे नहीं हो, बहुत अच्छे से अब आ जाए, अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूरे कान बंद हो गए, बहुत ही अजीब से बंद हो गए हैं, तो वो वाले मैं कभी यूज़ नहीं करती। मैंने अशी ने पहले मेरे हस्बैंड ने पहले भी मेरे लिए मंगाए थे वो वाले जो बिल्कुल कान बंद हो जाते हैं, वन प्लस के मंगाए थे पहले, जो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। मुझे इतना दिमाग ख़राब हुआ उनको लगाने से, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, कि उससे क्या होता है ना, कुछ आवाज़ ही नहीं सुनाई देती है। और मैं आपको बताऊँ, मेरा एक बेबी है 4 साल का है, तो वो कभी कभी होता क्या है ना, वो सो रहा होता है और हम ये कान में लगाए हैं, अब वो चिल्ला ही रहा है, पता चला वो चिल्ला ही रहा है, मुझे आवाज़ आएगी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कान में फंसे होते हैं। तो इस वाले ब्लूटूथ ईयरडॉप्स में सबसे अच्छी चीज़ है ना, इसमें वो है ही नहीं, वो ऑप्शन नहीं है कि ऐसे गोल सा कि इससे सीधा कान में फंस जाता है, ये फंसता नहीं,
ये नॉर्मल सा लगा लो, ये बहुत छोटा सा है, ये नॉर्मल सा आप राइट लेफ्ट जिसमें भी है, ये कौन सा है लिखा हुआ है राइट लेफ्ट, तो ये लेफ्ट का है तो आप लेफ्ट में आप ये लगा लो। ऐसा नहीं है कि अगर ये अच्छे से लग गया तो कैसे भी उछकोगे कूदोगे ये गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि गिर जाए, क्योंकि ये मैंने मंगाए तो इसलिए थे कि हम जिम जाते थे वहाँ के लिए मंगाए थे, तो वहाँ उछकेंगे कूदेंगे कोई गिरेगा नहीं, अब बहुत ही अच्छा है। अब दूसरा फंक्शन मैं इसका बताऊं, अगर इसमें एक बटन भी है यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार अगर हम प्रेस करेंगे तो जिसको मैंने कॉल लगाया है ना वो कट जाएगा, हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको हम कॉल कर रहे हैं फिर हमें मोबाइल उठाना पड़ेगा फिर उसका कट करना पड़ेगा, आप बात करते रहिए, और ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही ये लगाने हैं, आप एक लगा के भी बात कर सकते हैं। मैं तो एक ही लगाती हूँ क्योंकि दोनों कान में यदि लगता है ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगने लगता है क्योंकि दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं देती, सो मैं एक ही कान में यूज़ करती हूँ, दूसरा यूज़ मैं करती नहीं। और जैसे ही बात ख़त्म हुई आप यहाँ से प्रेस कीजिए, आराम से कट जाएगा, इसमें बटन दिया हुआ है टिक करने की आवाज़ आएगी, कट जाएगा। और जब आप दो बार इसको टिक टिक प्रेस कर देते हैं तो जो भी लास्ट नंबर होगा जो आपने लगाया होगा वो वहाँ से रिडायल हो जाएगा बहुत ही आराम से। और मैं अधिकतर अपनी मम्मी को ही कॉल करती हूँ तो मैं आराम से टिक टिक करके मम्मी को बार बार लगा लेते हैं फ़ोन। सो इस वाले ईयरडॉप में मुझे जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें बहुत सारे कलर भी आ रहे हैं, ब्लैक लो, वाइट लो, बहुत सारे ग्रे कलर भी है शायद, तो इसमें कलर भी बहुत सारे हैं। और सस्ता तो है ही, जो चीज़ सस्ती होती है अच्छी होती है उसकी तो बात ही अलग होती है कि मतलब कहीं गिर जाए खो जाए तो दुख नहीं होता। एक चीज़ और भी है, जब कोई आप चीज़ महंगी लेते हो ना तो उसकी केयर भी आपको उतनी ही करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कहीं खो गया, जैसे मोबाइल होता है ना, एक आईफोन लो एक नॉर्मल सा मोबाइल लो, ठीक है आप आईफोन लिए रहते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन सी रहती है दिमाग में, अगर ट्रेन में जा रहे हैं कहीं खो ना जाए ये ना हो जाए, क्योंकि अगर खोएगा तो इतना महंगा, और नॉर्मल सा फ़ोन है तो उसमें दिक्कत नहीं होती, अगर खो भी गया तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा महंगे एयरडॉप लेंगे और अगर वो कहीं गिर गए खो गए, क्योंकि एक छोटी सी डिब्बी है कहीं भी गिर सकती है खो सकती है, तो उसको ज़्यादा दुख होगा, और नॉर्मल सा रहे तो कहीं भी कुछ भी नहीं दुख नहीं होता है। सो ये बहुत अच्छा है। अब तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, उसमें इसको मैंने एक महीने से यूज़ किया है और मेरे से ज़्यादा शायद कोई यूज़ करता नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे कान में हमेशा ही रहता है। आई थिंक कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैं इसको लगाया है, मतलब मुझे आदत पड़ गई है कि हम सो भी गए और ये मेरे कान में लगा ही हुआ है, निकला ही नहीं, फिर राशि उठते हैं रात पे कहते हैं अरे ये तुम्हारे रात पे चमक रहा है क्योंकि इसमें लाइट जलती है। तो मतलब इतना ज़्यादा मैंने यूज़ किया है और इसको मुझे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे इसमें लगा दो इस चार्ज हो जाता है बॉक्स। काफ़ी दिनों बाद मतलब मैंने 4-5 दिन तक इसको यूज़ करते रहे, उसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए ये बॉक्स चार्ज पे लगा दिया था, अपने नॉर्मल से चार टाइप सी चार्जर है इसमें ये वाला, तो इसमें हम मैंने लगा दिया था, वो चार्ज हो गया, वो बहुत घंटों तक चलता है शायद, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं एक ही कान का यूज़ करती हूँ, तो कभी मैं ये वाला ले लेती हूँ कभी ये वाला ले लेती हूँ, बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है। मैं मूवी देखती हूँ अगर मोबाइल में लगा के, कुछ भी देखते हैं, पहले हम बिग बॉस देखते थे जब बिग बॉस आता था, तो अच्छा है, कहीं पे भी कनेक्ट हो जाता है, कभी हम टीवी में कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि रात में शाइन सोता रहता है, मेरा बेबी सोता रहता है, तो टीवी में जब हम कुछ देखेंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ा नहीं सकते, तो हम अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं, आशी अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग मूवी देख सकते हैं, वैसे तो नहीं देख पाते, तो इससे अच्छी आवाज़ आती है और कानों में बिल्कुल फंसता नहीं है बहुत ही पूरी तरीके से, और कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये प्लास्टिक का कुछ फाइबर का बना हुआ है तो ये मुझे बहुत पसंद आया, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। अब इसकी प्राइस की बात करें तो आई थिंक बहुत ही सस्ता है, मतलब अभी फ़िलहाल ये मैंने देखा था फ्लिपकार्ट पे 1199 का मिल रहा है, मतलब 1200 रुपये का है, लेकिन ऑफ़र में 1000 तक का मिल जाता है, तो इससे सस्ता तो कोई चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं गारंटी देती हूँ कहीं नहीं मिलने वाली। और जब भी आप किसी से बात करते हैं, कुछ मूवी वूवी देखते हैं तो मोबाइल में डायरेक्ट मत देखिए, होता क्या है ना आप कान में ऐसे लगा के जब बात करते हैं मोबाइल गर्म होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज़रूर लीजिए। ये मुझे बहुत पसंद आया, आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है। यदि आप लोगों को पसंद आया हो, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और एक बार ही लेके ज़रूर देखना, नहीं पसंद आया तो आप रिटर्न कर सकते हैं, पता नहीं है रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं, मुझे मैंने देखा नहीं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने तो फ्लिपकार्ट से लिया था,
और बहुत टाइम हो गया तब हमने इसको लिया था और मुझे यूज़ करते करते भी बहुत टाइम हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने शेयर किया है। एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम कंपेयर करेंगे कौन सा वीडियो मतलब कौन सा ईयरडॉप अच्छा है कौन सा नहीं है, उसमें मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास 5-6 हैं ऐसे, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक मेरा बेबी हुआ है 4 साल, उसके पहले से जब भी शादी के बाद से ही ना मैं ब्लूटूथ से ही बात करती हूँ अपनी मम्मी से या कहीं पर भी, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। और जब हम किचन में बात करते हैं ना किसी से, अधिकतर मैं बात ही तब करती हूँ जब मैं किचन में जाती हूँ, क्योंकि दो काम एक साथ ही हो जाते हैं, बात भी हो जाती है और काम का काम हो जाता है, तो हम ये ज़रूर यूज़ करते हैं। तो मुझे बहुत सारे यूज़ करने के बाद मुझे ये बहुत पसंद आया है, सो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।